नमस्कार, आपका स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में। आपके साथ मैं पूनम। कौन बनेगा करोड़पति 15 के लेटेस्ट एपिसोड में अमिताभ बच्चन ने कंटेस्टेंट के साथ होने वाले स्कैम कॉल को लेकर बात की है। उन्होंने उन कंटेस्टेंट को आगाह किया जो कि शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो स्कैम कॉल पर ध्यान ना दें। साथ ही बिग बी ने सावधानी के लिए कुछ प्रिकॉशन भी शेयर किए हैं। उन्होंने बताया कि शो में एंट्री सिर्फ नॉलेज के आधार पर मिलती है। हाल में टेलीकास्ट हुए एपिसोड में पश्चिम बंगाल के मंडल कुमार ने हॉट चिट ली थी। इंडियन रेलवे के कर्मचारी मंडल कुमार ने खेलकर 6,40,000 रुपये जीते। उन्होंने बताया कि उनकी दिली इच्छा थी कि वो दर्शकों के बीच अपनी पत्नी को देखें जो खेल के दौरान उनका हौसला अफजाई करे। इसके लिए वो पिछले 16 महीने से ट्राई कर रहे थे। शो शुरू हो जाने के बाद मंडल कुमार ने बताया कि केबीसी का हिस्सा बनने की चाहत में आजकल लोग स्कैम कॉल का शिकार हो रहे हैं। मंडल कुमार की बात पूरी जानने पर बिग बी ने लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए उनका शुक्रिया किया। साथ ही उन्होंने लोगों से गुजारिश करते हुए कहा कि वो ऐसे स्कैम वाले कॉल पर ध्यान ना दें। स्कैम कॉल के जरिए कई लोग पैसों की ठगी का भी शिकार हुए हैं। बिग बी ने इस पर भी सतर्क रहने के लिए कहा। उन्होंने कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। शो का हिस्सा बनने के लिए कंटेस्टेंट को टेस्ट देना पड़ता है, फिर नॉलेज के हिसाब से ही उनका सिलेक्शन किया जाता है। इसी के साथ बने रहे एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।